नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, कट ऑफ द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दो कर्व दे रखे हैं आपको, एक तो सर्कल दे रखा है एंड एक लाइन उसको कट करती है। अब जो लाइन और सर्कल जब कट करेंगे तो दो एरिया उसके बीच में बन रहे हैं, हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया इसमें फाइंड आउट करना है। तो फिगर से आपको एकदम क्लियर होगा, जरा देखिए कैसे। द गिवन कर्व्स आर, तो पहला कर्व दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, ये पहला कर्व है। दूसरा कर्व दे रखा है आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहां पर देखें, ये तो एक सर्कल है आपका, सर्कल भी कैसा, जिसका जो सेंटर है वो तो ओरिजिन है और रेडियस कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर, आपकी 3 यूनिट्स इसकी रेडियस है यहां पर। तो हम इसका स्केच बनाएं, तो यहां पर देखिए हम इसको यहां से 3 मान लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से एक सर्कल बनाना है हमें, एंड ये बन गया सर्कल आपका जिसकी रेडियस 3 है, यहां पर भी 3 एंड यहां पर भी 3। ये पॉइंट हो गया आपका 3.0, ये हो गया 0.3, ये हो गया -3.0 एंड ये हो गया 0.-3, क्योंकि ये वाली जो पार्ट है वो सभी में सेम है, वो 3 है आपकी। इस वाले कर्व का ग्राफ बना लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसका ग्राफ जरा देखिए कैसे बनेगा, एक्स वाई, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 3, वाई को 0 रखेंगे तो एक्स 3। पहला पॉइंट 0.3, तो ये वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 3.0, ये रहा, इन दोनों से ये लाइन पास होगी, तो ये हमने लाइन को पास करवा दिया। अब देखें, लाइन और सर्कल के बीच में दो एरिया मिल रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट है एंड एक ये बड़े वाला पार्ट है, बट हमें क्वेश्चन में पहले ही डायरेक्शंस दे दी हैं उसने कि स्मॉलर वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। इसको हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम इसको नाम दें ए बी सी और यहां पर इसको नाम दें ओ, ठीक है। अब जरा देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम सर्कल के नीचे वाला एरिया, मींस जो ये सर्कल है इसके नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो पूरा एरिया मिल जाएगा आपको, और फिर हम इसके लाइन के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का एरिया ही तो बचेगा। आई रिपीट कि यहां पर आप पहले इस सर्कल के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा, फिर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस लाइन के नीचे वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया, पूरे में से इसको हटा दिया तो यही बचेगा आपका। तो यही हमें करना है, लिमिट क्या है, 0 to 3 वाई ऑफ सर्कल डीएक्स, हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, देन हम उसमें से माइनस करेंगे 0 to 3, अभी भी लिमिट 0 to 3 है, वाई ऑफ लाइन डीएक्स। अब हम लाइन के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, अब वाई ऑफ सर्कल को जरा देखें, तो यहां से एक्स स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो वाई ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या है, 0 to 3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 0 to 3 वाई ऑफ लाइन आप निकालेंगे तो वो मिल जाएगी आपको 3 माइनस एक्स डी एक्स। यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एंड जो क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, वो किसके बराबर होता है आपका, ये होता है आपका एक्स बाई 2 और यही टर्म सेम आ जाएगी यहां पर, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये होता है आपका। अब ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा तो जरा देखें किस तरीके से, एक्स बाई 2, एक्स यहां पर भी एक्स ही है तो एक्स बाई 2 और यही टर्म सेम आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए क्या है इसमें 3 और 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, तो यहां आ जाएगा 9 बाई 2 साइन इनवर्स, यहां पर है साइन इनवर्स
x बाई ए मीन्स x बाई ए का मतलब है x ये है और a है 3, तो यहां पे आ गया x बाई 3, ये हो गया इंटीग्रेशन। यहां पर लगा दी हमने लिमिट्स माइनस, यहां पर जरा देखिए 3 का क्या हो जाएगा 3x, भाई 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा 1, 1 का हो गया x, यहां पर है आपका x, तो x का हो जाएगा पावर में एक इंक्रीज करेंगे एंड पावर वही नीचे लिख देंगे 0 to 3, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे इसके अंदर, और लिमिट्स को पुट करके जो वैल्यू मिलेगी वही रिक्वायर्ड एरिया होगा, तो हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं। जरा ध्यान से देखिए भाई, जब हम यहां पर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये 0 बन गई। यहां पर 9 बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 3 कितना हो जाएगा 1, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस साइन। अब हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो यहां पर जब 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरे को 0 बना देगी, प्लस यहां पर है 9 बाई 2 और यहां पर बन गया साइन इनवर्स 0 माइनस, अपर लिमिट को पुट करेंगे 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 9 बाई 2 माइनस, दोनों में x है तो दोनों में 0 बन जाएगा आपका, तो लोअर लिमिट क्या मिल रही है आपको 0 मिल रही है। अब साइन इनवर्स 1 को हम सॉल्व करें, मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन 1 किस पर होता है आपका पाई बाई 2 पर, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 और इसको लिख देंगे साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा किसके बराबर आ गया पाई बाई 2 के। अब थीटा देखिए जरा, ये पूरी वैल्यू थी तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है पाई बाई 2 के, तो आप यहां पर साइड में बता देंगे बिकॉज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इस पूरी टर्म की जगह आप पाई बाई 2 लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 9 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, ये तो 0 है, साइन इनवर्स 0 को भी हम सेम थीटा के बराबर मान लेंगे, साइन थीटा इज 0, साइन 0 होता है आपका 0 पर, साइन से साइन कैंसिल हो गया थीटा मिला 0, मतलब ये वाली पूरी जो टर्म है आपकी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, तो इसमें ये पूरी टर्म 0 हो गई, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है आपका। यहां पर माइनस 9 माइनस 9 बाई 2 कितना हो जाएगा 9 बाई 2 बचेगा, आगे की पूरी टर्म 0 है। आप यहां पर बता देंगे कि साइन इनवर्स 0 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। आप इस पॉइंट को जरा ध्यान रखें, अगर आप एग्जाम में इस तरीके से मेंशन करेंगे कि भाई आपने क्यों कर दिया साइन इनवर्स 1 को पाई बाई 2, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होती है, अब आपको पता है बट आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, जो आपका पेपर चेक करेगा उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये पता था कि साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 पर होता है। अगर आप इस तरीके से जो भी फॉर्मूला उसमें यूज कर रहे हैं उसको साइड में जरूर मेंशन करें, आप ऐसी प्रोसेस अपनाएंगे तो आपके मार्क्स कभी भी एक भी मार्क्स इवन 0.5 मार्क्स भी आपके कैंसिल नहीं होंगे, उसमें पूरे मार्क्स आपको पेपर में मिलेंगे। जरा देखिए यहां पर है 9 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यहां पर है माइनस का 9 बाई 2, दोनों में से 9 बाई 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये क्या है आपका, यही है एरिया स्क्वायर यूनिट्स, तो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आ रहा है आपका, दैट इज 9 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो केवल आपको इस अप्रोच को फॉलो करना है एंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।